हेलो, वेलकम टू बैंगलोर जायका। मैं आज अनानास का मीठा बनाने जा रही हूँ। इसमें क्या क्या चीज़ें लगते हैं देखो। ब्रेड केक ब्रेड 3 स्लाइसा। ये अनानास है, मैं एक अनानास बड़ा वाला ली हूँ, वो पीस कर रखी हूँ। ये एक अनानास जो पीसेस में कट कर लियो। ये एक 150 ग्राम शुगर, टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकती हैं, कम या ज़्यादा। ये खवा 150 ग्राम्स। ये मुनाखा है, ड्राई रेजिन्स 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून कटा हुआ बादाम, 5 इलायची और 2 टेबल स्पून काजू कटा हुआ, 2 टेबल स्पून घी। इसमें कैसा बनाना है हम देखेंगे। अनानास का मीठा बनाने का तरीका देखो। एक पैन रखना, उसमें 2 टेबल स्पून घी डालेंगे। घी गरम होते हैं काजू मुनक्का फ्राई करेंगे। उसमें मुनक्का भी डालूं। अब इसमें मैं कटा हुआ अनानास डाल रही हूँ क्रंच के लिए। अनानास तो साफ होते हैं। मैं पीसा हुआ अनानास मिला लेंगे। इसमें मैं 2 अनानास ले हूँ, एक पीस पीस लूँ बड़ा अनानास, एक छोटा अनानास काट कर डाल रही हूँ। अब ये पीसा हुआ अनानास इसमें डालेंगे और अच्छे से मिक्स करना है इसे। चार पांच इलायची डाल दें उसमें। मैं इसमें एक चुटकी जाफरान डाल रही हूँ तोड़कर बारीक करके। इसे अच्छा मिक्स कर लो, कलर आता जरा। जरा पक गया, इसके बाद हम शक्कर डालेंगे। अब कुछ ज़्यादा होना ज़्यादा, मैं 150 ग्राम्स यूज़ कर रही हूँ। इसे अच्छा मिक्स कर लो। ये ज़रा पक गया, इसमें हमें खोवा डालेंगे। इसे खोवा डालने के बाद अच्छा मिक्स कर लेना। यूजुअली शादियाँ में बनता है मिठा ऐसा। ये अच्छा पक रहा, अब हो गया। इसमें आखिर में हमें ये केक ब्रेड मिलाएंगे। ये मेरी पहली रेसिपी है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। इसे और 5 मिनट पकाएंगे। उसके बाद ये 2 टीस्पून घी डालकर इसे स्टोव ऑफ कर देंगे और हमें इसे प्लेट करना है। ये मीठा पक्को तैयार हो गया, स्विच ऑफ कर दिया मैं। अब प्लेट कर लेंगे हमें। अनानास का मीठा तैयार है, प्लेट कर लूँ इसे। इसे गार्निश करेंगे बादाम के पीसेस से। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो कमेंट बॉक्स में। और मैं ऐसे बेहतरीन रेसिपीज लाने की कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शुक्रिया।